अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन और राम राज स्थापना महामंच की ओर से लखनऊ के ऐशबाग स्थित रामलीला मैदान में 7 दिवसीय रामकथा का आयोजन होने जा रहा है। जो रामकथा का आयोजन कथावाचक जो आचार्य संत आचार्य देव मुरारी जी इसका आयोजन करेंगे। हम बात करेंगे इनसे कि जो रामकथा होने जा रही है, जब से राम मंदिर आचार्य जी बना हुआ है सभी राममय हो गए हैं, तो रामकथा 7 दिवसीय लखनऊ में होने जा रही है, आपके द्वारा होने जा रही है, तो किस तरह का क्या कुछ कहना चाहेंगे? अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई रामलला की। इसी उपलक्ष्य में उससे पहले से उसके बाद तक लगातार बहुत सारे धार्मिक आयोजन हुए, चाहे वो यज्ञ हो या राम कथा हो, तो इसी क्रम में बहुत सारी कथाएं हम लोगों ने जो निर्णय लिया कि भव्य श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने लखनऊ में ऐशबाग तिराहे पे रामलीला मैदान में 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन करने का निर्णय लिया है आगामी 15 मार्च से 21 मार्च तक जो कार्यक्रम चलेगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों की ये जो भावनाएं हैं, अयोध्या में अयोध्यापुरी में राम जी का मंदिर का निर्माण हुआ, उसी तरह लक्ष्मणपुरी में श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है और इसका लक्ष्मणपुरी हमने नाम पहले से दे दिया, इसके लिए हम मांग भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी देंगे। फैजाबाद का नाम बदल करके अवध धाम किया गया, अयोध्या धाम किया गया, इसी तरह लखनऊ का नाम बदल कर लक्ष्मणपुरी किया जाए। यहाँ जो लक्ष्मण जी का मूर्ति है उस पर छत्र लगाया जाए, उसको लक्ष्मण पार्क के नाम से घोषित किया जाए। हमारी कथा का उद्देश्य है, हमारी प्राचीन जो चिन्ह है, हमारी प्राचीन जो पहचान है, जिसको मुगल शासन काल में दबा दी गई और नाम बदल दिए गए, ऐसे उद्देश्य हमारे बहुत सारे अच्छे हैं जो कथा के माध्यम से हम बीच बीच में जनता के बीच में रखेंगे। हम लोगों की जो पहचान है उसको पुनः वापस किया जाए। रामकथा का उद्देश्य यही है कि हम अपने आप को पहचाने। मनुष्य जब जन्म लिया तो उसका उद्देश्य क्या है, यह पहचान भी कथा ही बताती, कथा के माध्यम से ही हम लोग ये संदेश देते हैं और यही संदेश हम देंगे। यह कथा का आयोजन अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीरेंद्र मिश्र जी और उनकी पूरी सम्मति है। कार्यक्रम की लगभग सभी तैयारियां हो चुकी हैं, जो हमारे आगंतुक अतिथिगण हैं उन सबको भी आमंत्रित किया गया है और घर घर राम कथा में आने का निमंत्रण यहाँ पर सभी आसपास के मोहल्लों में प्रचारित किया गया है और जो श्रोता आएंगे उसके अनुसार उन लोगों को हम अपने जीवन का उद्देश्य क्या, जीना कैसे चाहिए, सारे सिखाने के उद्देश्य जो राम कथा के माध्यम से सुनने को मिलते हैं वो सब प्रवचन के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से जनता के बीच तक पहुँचाएंगे। आचार्य जी, जिस तरह से आपने बताया राम कथा का उद्देश्य क्या है कि सभी लोग राममय हो रहे हैं, हमने जैसे हो रहे हैं, अगर बात करें कि कुछ लोगों के हमारे आपके बीच जो सनातनी है उंगली उठाते हैं राम भगवान राम पर, क्या कहेंगे इस पर आप? देखो, निंदक तो पहले ही इससे चले आ रहे हैं, वो किसी काल का आप सतयुग लीजिए, त्रेता लीजिए, द्वापर लीजिए या फिर कलयुग में तो घर घर निंदक बैठे हुए हैं, तो उंगली उठाने वाले तो उंगली उठाएंगे ही। एक कहावत है कि अच्छाई से ज़्यादा बुराई का दायरा होता है। जितने हमारे सनातन वाले संत धर्माचार्य कथा के माध्यम से अच्छे कार्य कर रहे हैं, उतने ही उसमें से लोगों की बुराई भी पैदा होती हैं। जैसे हमारे हाथ की सभी उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, उसी तरह रामकथा के प्रशंसक, रामकथा के सुनने वाले से ज़्यादा बुराई करने वालों की संख्या ज़्यादा, निंदकों की संख्या ज़्यादा है। इसीलिए ऐसे आयोजन किए जाते हैं कि जो निंदा करते हैं सनातन की कथा की, धर्माचार्यों की, तो उन सबको ये पता लगे कि हम लोग निंदा ना करके प्रशंसा करें, ये हमारे धर्म का कार्य है, हम अपने धर्म को ही खुद बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को शिक्षा देने के लिए कथाएँ की जाती हैं। 7 दिवसीय रामकथा होने जा रही है लखनऊ के रामलीला मैदान में, तो कौन से अध्याय लोगों को सुनने को मिलेंगे? रामचरितमानस में 9 दिन है, 9 दिन की कथा होती है, लेकिन हम जो वनवास की कथा है उसको संक्षिप्त करते हुए बालकांड से लेकर भगवान के राज तलक तक की पूरी कथा को सुनाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से देखा जाए कि भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया अयोध्या में, अब जो है मथुरा काशी की बात की जाती है तो वहाँ पर भी चल ही रहा है लोगों की मांग, आप मथुरा से ही आए हुए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे मथुरा के बारे में? ये तो पुराना एक नारा चल रहा है, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, इसकी पूरी तैयारी है। अयोध्या में 2024 में
भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो चुका है। अब आगे मथुरा की बारी है। इसके लिए हम लोगों ने खुद श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट का गठन कर चुका हूँ 2020 में, जब अयोध्या में मोदी जी के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था, उसी समय हमने मथुरा की तैयारी कर ली। श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट हमारा रजिस्टर्ड है, गठन है, और इसमें 25 प्रदेश के संत महामंडलेश्वर, प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी हमारी तैयार हैं। और हमारे लिए ये खुशी की बात है कि कोर्ट में भी है, मामला चालू है, और जैसा कोर्ट का निर्देश आदेश होगा कोर्ट की प्रक्रिया को भी पूरा कर रहे हैं और जन आंदोलन भी चला रहे हैं, और शीघ्र ही मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ऐसा ही अयोध्या जैसा भव्य मंदिर हम लोगों को देखने का मिलेगा। ये हमारी इच्छा है और ये लड़ाई जारी। सर, अपना परिचय देते हुए जो राम कथा 7 दिवसीय होने जा रही है, क्या कुछ तैयारियां उसमें हुई है? मैं अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ वीरेंद्र मिश्रा। पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से ही इस कार्यक्रम को आयोजित करने का एक अलग कारण है। पत्रकार अपने को केवल न्यूज़ लिखने तक सीमित समझते हैं, जबकि इनका इन क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होना चाहिए। तो लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिस तरह विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका का महत्व है, इसी तरह पत्रकारिता का महत्व है। और हम सब लोग समाज और देश के वेलफेयर के लिए कार्य करते हैं, तो उसी दिशा में लोगों को जागरूक करने के लिए हमारा सनातन हिंदू धर्म करोड़ों वर्षों पुराना है, 1,96,08,53,122 वर्ष पुराना है, मगर हम लोग भूलते जा रहे हैं अपनी विरासत को। तो हिंदुत्व को जागृत करने के लिए, सनातन धर्म के महत्व को बताने के लिए ये राम कथा का आयोजन किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मर्यादा स्वरूप हैं और समाज को उस मर्यादा की आवश्यकता है बताने के लिए। कथा होने जा रही है, भारी संख्या में वहाँ रामलीला में लोग आएंगे राम कथा को सुनने के लिए। जी जी, तो किस तरह का उनके लिए व्यवस्था की गई? अब उनके लिए तो श्रोता हमारे पूज्य हैं, इनके बैठने की व्यवस्था, जल पान की व्यवस्था, कोई असुविधा न हो, सुरक्षा की व्यवस्था, ये सब की गई है। हम लोग अपने सीमित साधनों से ये सब प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ कोई न बड़ा कोई धन कुबेर है, न कोई बड़ा सेठ साहूकार है, आपस में ही हम लोग कंट्रीब्यूट करके ये बड़ा एक संकल्प लेके चले। तो सर, किसी राजनेता ने तो सहयोग किया? नहीं नहीं, राम कथा तो आयोजन जब से राम मंदिर बना है तब से राम कथा हर जगह सुनाए देखने को मिल रही है, तो किसी न किसी राजनेता ने तो सहयोग किया? देखिए, अभी तो लोगों के दिखने में यह आ रहा होगा कि हो सकता है भाजपा प्रेरित हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सरकार भाजपा की है, इसलिए लोगों को आमंत्रित करते हैं। किसी भी भाजपा के नेता ने एक नए पैसे का सहयोग नहीं किया है, आश्वासन दिया है कि और आने का, तो आने के लिए तो हमने बहुत साधारण लोग बुलाया। हम तो एक फकीर को वही सम्मान देंगे जो एक डिप्टी सीएम को देंगे। मैं कई इस तरह का कार्यक्रम कर भी चुका हूँ। एक बार सुनील शास्त्री संबंधित थे, मैंने एक निराश्रित सेवाश्रम मारा था, उसके शिलान्यास का कार्यक्रम रखा था, सुनील शास्त्री जी नहीं आए थे। तो एक 80 साल का नाई था, जांगिया बनियान, अंडरवियर बनियान पहने, एक झोला लिए गंदा बैठा था। हमने कहा आज के हमारे मुख्य अतिथि होंगे, उसको मंच पे लाया गया, गोदी में उठा के बड़ा झिझक रहा था, उसको वही सम्मान दिया गया जो सुनील शास्त्री को सम्मान देना था। इसी तरह सीतापुर में हमने कराया था, SP सीतापुर आने वाले तो नहीं आए, तो एक बाबा बैठे थे किनारे बुजुर्ग, उनको हमने बुला के सम्मान कराया। तो हमारे तो भक्त ही भगवान है। लखनऊ के रामलीला मैदान में जल्द ही 7 दिवसीय राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन और राम राज्य महासंघ के द्वारा इसके बारे में बता दें कि जो राम कथा का आयोजन हो, जो कथावाचक है आचार्य देव मुरारी जी, इसका जो है राम कथा को सुनाएंगे, और सभी लोग जो भी सनातनी हैं राम कथा का लुप्त अपने जो है ऐशबाग के रामलीला मैदान में उठा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मंत्री तिवारी, वी न्यूज़ लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।